Namaskar! Welcome to the 16th edition of Jepul Literature Festival, protected by the Bananga banega swast India at the Darbar Hall. We are delighted to introduce Gunpowder in My Pen with Manoranjan Bepari in conversation with Sonjoy Kiroy. Manoranjan Bepari is a Bangla writer and social and political activist he also heads the dalit sahitya academy in bengal his unusual radical and innovative writing has strong autobiographical elements in conversation with sonjoy he talks about his life and work so let's welcome manoranjan bepari he has published 12 novels and over 70 short stories some of his important works include there's a gunpowder in the air runaway boy and the most recent iman and nemesis he was recently appointed chairman of the newly dalit saiti academy in bengal is also a member of the legislative assembly in west bengal and sonjoy an entrepreneur of the arts is the managing director of the teamwork arts and the producer of थैंक यू ऑल मेरा जो दोस्ती मनोरंजन जी के साथ हुआ था कुछ साल पहले हमारी मुलाकात हुई जब उनका पहला किताब बंगाली में छपा था और वो यहीं पे आए थे उसकी जो ट्रांसलेशन हुई वो रन अवे बॉय के नाम से ट्रांसलेशन हुई और उसके पीछे काफ़ी uh, लंबा कहानी है जो हम आज कोशिश करेंगे uh, बताने के लिए आप लोगों को आई एम गोइंग टू डू दिस बोथ इन 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 हिंदी एंड इन इंग्लिश एंड अ लिटिल बिट इन बांग्ला एज वेल सम इयर्स गो वी मेट मनोरंजन व्हेन ही केम टू रिलीज हिज बुक कॉल्ड रन अवे बॉय दैट वाज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इट एंड देन ही केम बैक अगेन

उनके प्रति दो चार शब्द में आभार प्रकट करना चाहूंगा एक मिट्टी एक धूल इन्होंने उठा करके उसको सोने से भी ज्यादा कीमत भरवाना दिया जब हम पहली बार जयपुर में आए हमें बंगाल का कोई नहीं जानता था इंडिया तो बहुत दूर की बात हम कलकत्ता के एकदम किनारे जहां से ग्रामीण बंगाल का शुरू होता है वहीं पर हम रहते हैं खुदीराबाद जगह के नाम कच्चा रास्ता बिजली भी नहीं था उस समय पानी भी नहीं था एक छोटा सा झड़ी में हम रहते थे वहां से इन्होंने हमें ढूंढ निकाला और उसके बाद में इतना बड़ा मंच हमें दिया तो फिर तो दुनिया का तमाम दरवाजा जयपुर आने के बाद खुल गया अब तक हमारे सत्ताईस पुस्तक और पांच भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुके और अभी मैं हालांकि वो कोई बड़ा भारी बात नहीं हमारे लिए भी नहीं आप लोग के लिए भी नहीं हमने इस चुनाव में विधायक भी बन गए तो इसलिए दादाजी को हम इसलिए आभार प्रकट करते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे अनजाने नामालूम कितने लोगों को परिचित कराया दुनिया से हम तो एक जगह पहुंच गए और आगे चल के दादाजी का मदद से और भी लोग अपना रास्ता निकल पाएंगे चुन पाएंगे और वो आगे बढ़ जाएंगे अब फिर आपका सवाल क्या मैंने राद? कहा आप क्रांतिकारी थे या अभी भी हैं क्रांति का मतलब ये नहीं होता कि हर समय वो कांदा पे बंदूक लेके घूमता रहे क्रांति का मतलब होता है ये आमूल परिवर्तन ये परिवर्तन का लक्ष्य लेकर के जो भी कोई काम करते हैं वो क्रांतिकारी है जब हमारे कांधे पे बंदूक था उस समय हम क्रांतिकारी थे आज नहीं है बात ऐसा नहीं है आज भी हमारे पेन जो है वो बंदूक से ज्यादा ताकतवर है और रोज चलता है तो फिर मैं अपने को आज भी क्रांतिकारी मानता हूं मनोरंजन दा आप कितना क्या उम्र था आपका जब पहले बार आप रेफ्यूजी कैंप में आए और फिर वहां से भाग के आपका पूरा जर्नी शुरू हुआ था कितने क्या उम्र था आपका देश का के बाद अभी अभी बाहर में एक प्रोग्राम देखा बड़ी मजे की बात हो रहा था हंसी तमाशा चल रहा था बहुत सारे लोग वहां भरे हुए थे यहाँ गिने चुने कुछ लोग थोड़े से लोग हमारे बात सुनने के लोगों को शायद कल पसंद नहीं आया होगा इसलिए उन्होंने नहीं आया होगा नहीं सबको पता, सब पता, सब पता नहीं है कि आपका सेशन आज है क्योंकि नया रखा है ना अच्छा, तो अच्छा सबको नहीं पता है तो ठीक है वो बात सही है ठीक है कि हम एक चीज जानते हैं कि जो क्रूर सत्य जो है वो लोग सुनना नहीं चाहते हर लोग हर आदमी दुखी है फिर दूसरे का दुख का सुन के हम अपना सुख चैन को क्यों गवा दे तो हंसी की बात तमाशा की बात मजे की बात सुनना चाहते हैं लेकिन हम तो उस जीवन से गुजरा नहीं हम तो ऐसे बात कर नहीं सकते हैं। जब तीन साल उम्र था पूर्वी बंगाल में जब बंटवारा हुआ इंडिया से जब अलग हुए उसके कुछ दिन बाद हम लोग को उस पार से इस पार आना पड़ा तीन साल उम्र में और तीन साल उम्र में जो भयानक जिंदगी हमें देखने को मिला ये जो भारत देश है ये जो देश का बंटवारा हुआ हमसे कोई पूछा नहीं हमसे कोई नहीं पूछा कि बंटवारा आपका अच्छा होगा या बुरा हमें कोई नहीं पूछा कि आप किस पर रहना चाहते हो तो हमने पसंद कर लिया इस पर रहने के लिए हम लोग आ गए तीन साल जब छह साल हमारा उम्र हुआ भारत सरकार ने बोल दिया कि आप सबको दंडकर्ण जाना पड़ेगा जाओ तो जाओ नहीं जाओ तो भारत सरकार की कोई सहायता आप लोग को नहीं मिलेगा हमारे पिताजी दंडकर्ण नाम से बहुत डरते थे रामायण में आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत खतरनाक बहुत बहुत भयंकर कहानी दंडकर्ण के बारे में वहां लिखा है राक्षस है इंसान को खा जाता है पेड़ पौधे भी आदमी को खा जाता है ऐसे उसमें लिखा हुआ है पिताजी डर गए इनकार कर दिए दंडकार करने जाने के लिए तो तमाम राशनवादी जो सरकार दिया करते थे बंद कर दिया अभी छोटी सी उम्र छः साल हमें निकलना पड़ा घर से बैल बकरा चराने के लिए आपके बच्चे को जब आप स्कूल भेजते हैं हमें जाना पड़ा बैल बकरी चराने के लिए इसके बाद थोड़े से बड़े हुए चाय दुकान में गिलास धोना चौकी नहीं हमने सिर्फ गिलास धोया चाय बेचा नहीं डरने की कोई बात नहीं उसके बाद मुटिया मजदूरी रिक्शा चलाना डोम का काम भी किए मुर्दा जलाने वाला शसान में चौकीदारी भी किए स्वीपर क्या गया? टाक का खलासी नाइट गार्ड ये सब तमाम काम कर करके हम बड़े हुए घर द्वार हमारा थाने हम घर से भाग आए थे कलकत्ता में स्टेशन में रहा करते थे सोए हुए स्टेशन में हम रहते थे पुलिस वाले वो रात भर सो करके गुजरे लेकिन सुबह उसको दिखाना है कि हम बहुत रात जग करके बहुत अच्छा ड्यूटी किए तो हम ही को पकड़ लिए हम जैसे कुछ लोगों उनको पकड़ लिए और थाने में लेके चला गया और बोलिए चोरी करता हुआ रेल का कोई सामान हम उठा के भाग रहे थे हमें पकड़ लिया ऐसे हम लोग को डाल देते थे जेल में और उसके बाद में जब देखा कि जेल कैसा है हम लोग एक दो बार जाकर के जब देख लिए तो डर टूट गया लोग लोगों को डराता है जेल में डाल देंगे अभी हमारे वो डर नहीं है टूट गया हमने देखा हमने एक चीज देखा कल भी बताए आज भी बताता हूं बाहर की दुनिया में कोई आदमी रास्ते में पड़ा है भूखा मांगेगा लोग से भाई हमें एक रोटी दो कोई देने वाला नहीं है लेकिन जेल में आपके लिए गरम तीन टाइम का खाना तैयार है थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन मिल जाएगा और आप अगर बोलोगे कि हम खाना नहीं खाएंगे तो पुलिस वाले आपको डंडा मार करके खिलाएगा अब ये जो जारा का दिन है आप चल के देखिए, रास्ते में लोग सोए हुए हैं उसके पास ओढ़ने का कंबल नहीं है जेल में आपको दो कंबल मिल जाएगा कितने लोगों को सर के ऊपर में कोई छत नहीं है जेल में मिल जाएगा ऐसा बढ़िया जगह है तो जेल हम लोग को लिए एक आशीर्वाद एक रेस्ट रूम जैसा था आप मानिए पैसे लेकर के हम जेल खटने चले जाते थे पैसे लेके कैसे आप लोग को मालूम है वो जो चुलाई जो चुलाई बोलते हैं यह इधर यहां क्या बोलते पता नहीं जो देसी जो दारू बनता है वो गैरकानूनी है तो जो लोग बिक्री करते हैं आबगारी वाले उसको पकड़ने आते हैं उनको तो हफ्ता हफ्ता पैसा मिल जाता लेकिन उसको भी दिखाना पड़ता है कि हम कुछ ड्यूटी कर रहे हैं तो उसको रेड करना पड़ता है एक दो लोगों को पकड़ना पड़ता है तो दारू वाले को पहले ही दिन खबर भेज दिया करता था कल हम रेड करने जाएंगे तो एक दो लोग तैयार रखना हमारे को देने के लिए तो एक महिला था अंजलि उसका नाम था उसका पति नहीं था मर गया था बेचारा पति रेल रेल लाइन में कट करके एक बच्चा था छोटा सा उसका एक वो दारू का दुकान था तो वो आके हमसे संपर्क करता था काल तो तेरे को थोड़ा से जेल में जाना पड़ेगा एक दिन के लिए तेरे को पंद्रह रुपया मिलेगा पहले तो दस से शुरू हुआ उसके बाद बारह उसके बाद पंद्रह और अंत में बीस तक जा करके खत्म हुए तो हम जैसे अकबरी आबकारी वाले आए उन अंजलि जो हमसे पांच साल का बड़ा है हम उनका पति बन गए उनका बच्चा जो हर समय हमें मामा बुलाता है उस दिन के लिए उसका हम पिताजी बन गए और हम जेल चले गए अब मजिस्ट्रेट ने साझा सुनाया सात दिन दस दिन जो भी खट करके हम आए तो वो पैसा हमें अंजलि दे देता था ऐसे ही हमारा जीवन को बीता हम बेटिकिट में एक सुखी जिंदगी ढूंढने के लिए कहाँ ऐसा जीव जागा जहाँ सुख चैन मिलेगा यहाँ से बिना टिकट में ट्रेन में बैठ के दार्जिलिंग असम सिलीगुड़ी लखनऊ इलाहाबाद दिल्ली कहाँ कहाँ तो आप सोच लीजिए आपके पास एक पैसा नहीं है छोटे छोटे लाल लाल पैसा होता था एक पैसा मालूम है ना आपको वो नहीं है आपके पास और आप चले भारत भ्रमण पे रास्ते में खाएंगे क्या ट्रेन में टिकट कहां से आप लेंगे ले नहीं पाएंगे तो फिर कैसे जाएंगे कैसे हमने किया हमने जब लिखना पढ़ना सीखा बताएंगे दादाजी पूछेंगे फिर हम बताएंगे तो ये सब हम सोचे कि जो कहानी जो लिखते हैं तो ऐसी ही तो लिखते हैं तो यहां से हम कैसे हम भारत को भ्रमण किए उसको हम बारीकी से लिख डाले तो लोगों को पढ़ने का मजा आएगा कि इस तरह भी देश दुनिया घुमा जा सकता है तो इस तरह हम कहानीकार बने क्या आपका क्रांतिकारी अच्छा तो, पूजी तो जैसे आप कह रहे थे ना आप जेल गए थे जेल जाते रहे वहां पे पढ़ाई लिखाई कैसे शुरू हुआ जब हम जेल में गए पिछले कई बार गए छोटे छोटे केस लेके वो हमें मालूम था ज्यादा से ज्यादा नब्बे दिन उसके बाद हमको कोई रखेगा नहीं थ्री आर पी एफ केस जो होता है वो नब्बे दिन का उसका मियाद होता है नब्बे दिन के बाद में मैजिस्ट्रेट छोड़ देता है लेकिन इस बार जो हम केस लेके गए वो थोड़ा बड़ा केस था 148 149, 307, 3 प्लस उस केस का धारा था हम जब जेल में घुसे तो बहुत रो रहे थे हालांकि किसी महिला का शादी हो जाए और वो इतना दिन पुराना माई बाप को छोड़ करके माई के छोड़ करके पनाया घर जा रहा हो सकता है वो रोएगा नहीं लेकिन जेल गया हो पहली बार रोया नहीं ऐसा आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने का नहीं मिलेगा सब रोता है हम पहले जा करके आए लेकिन इस बार थोड़ा बड़ा केस है पुलिस वाले बोला कि बेटे तेरे को दस साल तक सहारा दूंगा जेल में हम रो रहे थे दस साल दस साल तक बाहरी दुनिया का कुछ हम देख नहीं पाएंगे तो एक इंसान साठ पैसठ साल उम्र का वो खिड़की में बैठ के बाहर की तरफ झाक रहा था जेलखाना का जो खिड़की होता है ना छ फुट का ऊपर से होता है क्योंकि बाहर का कोई लोग अंदर का कुछ ना देख पाए अंदर का लोग बाहर का कुछ ना देख पाए उस खिड़की बहुत ऊँची ऊंची जगह में होता है वो उसी खिड़की में चढ़ करके वहीं पर बैठ के दुनिया को थोड़ा बाहर की दुनिया वो देख रहा था तो हम रो रहे थे तो वो बोले अरे चुप 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 क्यों रो रहा क्यों रो जेल में रोना अपराध है जेल में रोना अपराध है आप रोएंगे कोई हमदर्दी जताने नहीं आएगा बल्कि आपको पीटना चालू कर देगा क्यों इसलिए तू बेटा आज आया रो रहा है तेरे घर परिवार का लोगों को याद आ रहा और हम दस साल से यहां सर रहे हमारे घर परिवार नहीं है क्या हमें क्या दुख नहीं है तू रो रहा देख करके हमें भी रोना आएगा और हम रोएंगे तो सब रोने लग जाएगा तो पूरा जेल में जो है तालगम बच जाएगा सब रो रहा इसीलिए जो पहले रोएगा वो तो जरूर पिटाएगा तो उन्होंने हमें कहा मत रो क्या केस है कौन सा केस है हमने कहा पुलिस वाले बोल दिया बहुत बड़ा केस है दस साल तक जेल हो जाएगा तो दस साल तक जेल कटने के लिए उसका चेहरा भी कुछ उस तरह होना चाहिए साल जेल होना चाहिए। लेकिन हम तो दुबला पतला बहुत दिन के भूखा प्यासा थे एकदम दुबला जो जो जिस पुलिस वाले हमें पकड़े थे वो बोल वो बोल भी रहे थे उनकी भाषा में साले तेरे बदन में आधा किलो गोश नहीं है और तू ये सब करता है ये वो बोल रहा था आधा किलो गोश्त नहीं था बदन में ऐसा तो उन्होंने कहा अरे बोलने से हो जाएगा देश दस साल तक जेल में डाल देगा कौन सा केस है देख धारा देख क्या लिखा है तो हमने कहा हम तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम तो पढ़ना नहीं जानते तो बड़ी गुस्सा आया उसने उन्होंने हम पर उनका हमने एक जगह लिखा भी उनका एक आंख में दुर्भाषा का क्रोध था एक आंख में बुद्ध का कृपा था उन छोटी सी, सी तो पढ़ नहीं पा रहा आ, रख तो उन्होंने देखा वो जो थ्री हंड्रेड सेवन देखा उसको लगा कि हाँ दस साल जरूर अब कानून दादाजी कैसा होता है मालूम आपको अनारकोली को चुना दिया गया था चारों तरफ में दीवाल बना करके है ना तो पुलिस वाले आपको पकड़ेंगे बीच में डाल देंगे और चारों तरफ से वो दीवाल बनाता रहेगा सीमेंट पानी जब डाला गया आज उसको आप किसी भी शकल मुहूर्त दे दो 24 घंटा बीत जाएगा तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते वो जो है वो ही बन गया एकदम पक्का मकान कानून ऐसा है आज आपको पुलिस पकड़ के ले गया और दीवाल चुनना शुरू किया आपका पास अगर एक वकील ना हो तो आपको तो एकदम अनारकली जैसा मारी डालेगा लेकिन आपके पास एक वकील हो तो वो दीवार में थोड़ा सा होल करके रख देगा चेत जब आपका कोर्ट में केस उठेगा तो वहीं से वो चेत को बड़ा करके आपको निकल लेगा कानून ऐसा है तो उन्होंने हमको कहा कि वकील वकील दे सकता बोले नहीं हमारे पास तो वकील का देने के लिए पैसा है नहीं तो बेटा तेरे को तो दस साल सड़ना ही पड़ेगा तब उन्होंने कहा कुछ दिन बाद उस दिन नहीं दो चार दिन बाद कहा लंबे समय तेरे को गुजरना है जेल में जो लोग लिखाई पढ़ी जानते हैं वो हल्का पुल्का काम करते हैं और जो लिखाई पढ़ी नहीं जानते उसको पत्थर तोड़वाता है दाल चक्की में दाल पीसवाता है खाना बनाने का चौका में आग के सामने उसको काम कराता है तो तू थोड़ा बहुत लिखाई पढ़ी सीख ले तो राइटर बन जाएगा तो उनकी बातों में हम झांसे में उनके आगे हम बोले ठीक है लिखाई परी सीखेंगे तब फिर हमने पूछा कि लिखाई परी सीखने के लिए तो पेन होना चाहिए कागज होना चाहिए वो तो है नहीं कैसे सीखेंगे उन्होंने कहा इच्छा बहुत जरूरी है सीखेगा तू मैं तमाम प्रबंध करता हूँ हमने कहा हाँ उन्होंने एक लाकड़ी का कुटका दातुन टाइप का तोड़ के लाया आंगन को दिखाया झीलका ये है स्लेट उनका लकड़ी का कुटका को दिखाया ये है पेंसिल और मैं तेरा जीता जगता पुस्तक उन्होंने मिट्टी में ये लिख दिया और उसी पर लकड़ी फिरते फिरते जेल का राइटर बनना था लेकिन किस्मत क्या बाहर के राइटर बन गए जेल में रहते रहते आपने कितने किताब पढ़े जेल में रहते रहते दो किताब हमने पढ़े थे एक किताब जो मेरे सोच बदलने में काफी कामयाब साबित हुए वो है मनोज बसु का निशी कुटुंब एक चोर का जीवन का ऊपर में लिखी हुई वो पुस्तक है इतना बढ़िया पुस्तक वो एकेडमिक पुरस्कार भी मिला उन पुस्तक में अब एक आदमी भद्र समाज से है उन्होंने एक चोर का जिंदगी इतना बारीकी से लिखा और हम तो खुद ही चोर हैं तो अगर हम यदि लिखे मैंने लोग बोलते हैं चोर है सचमुच हम चोरी नहीं करते चोरी करते हुए तो <laughs> तो तो ना इतने देर तक बैठा के रखा तो वो पुस्तक हम पढ़ करके जब हम राइटर बने तो सोचे कि अगर वो लिख सकता है तो हम तो इतने चोरों को देखे इतने चोरों को बीच में टाकुओं को मार को बीच में रहे तो हम कैसे नहीं लिख सकते तब हम वो उन वो पुस्तक से प्रभावित हुए और हम लिखने को शुरू किए अच्छा एक बात और अब मेरा गुरु जी का बारे में बता दू वो चीटिंग केस का असमी था और चीटिंग केस जो फोर ट्वेंटी वो मोटे दिमाग वाला लोग कर नहीं सकते बहुत ही उनका सातिर दिमाग था दुनिया का ऐसा कोई भी विषय नहीं जिस पर वो बात नहीं कर सकते थे इतना ज्ञानी था उन्होंने एक बात कही थी हमने उनसे पूछा कि आप इतने पढ़े लिखे हो तो आप चाहते तो नौकरी कर लेते क्यों नहीं किया टीचर बीचर बन जाते आप क्यों नहीं बना तो उन्होंने कहा कि देख मैं नौकरी करने चला जाऊं मेरा जो बस बनेगा वो एक मूर्ख है कुछ नहीं जानता है और वो हमको बोलेगा कि पानी ऊंचा है हमको बोलना पड़ेगा हाँ सर पानी ऊंचा है वो बोलेगा पानी नीचा है हमको बोलना पड़ेगा हाँ सर बस को बस जो बोलेगा नीचे का जो कर्मचारी है वो बोलना ही पड़ेगा आप में से जितने लोग नौकरी करते हो सबको मालूम है ये बात वो बोला ये हमारा शिक्षा का अपमान है इसलिए हमने नौकरी नहीं किया हमने हमने ठगाया तो किसको ठगाया इंसान इंसान इतनी चालाक है वो भगवान को ठगता है मालूम ठगने चला जाता चला, चला है भगवान को वो दो रुपया का मिठाई देता है भगवान के सामने एक अगरबत्ती जलाते हैं एक रुपया का पांच रुपया खर्च करके बोलते हैं हमें पचास हजार रुपये वाला एक नकली दिला दो भगवान और भगवान इतना मूर्ख है वो पांच रुपये में उसको मतलब वो भगवान को भी ठगना चाह रहे हैं तो ये करते थे ऐसा ही अरे तेरे को मैं एक पेट्रोल पंप दिला सकता हूँ फलाना मंत्री के साथ हमारा जान पहचान है और वो ऐसा बात करेगा ऐसा कुछ फोटो वगैरह दिखाएगा कि आप मान लोगे कि वो प्रधानमंत्री का दोस्त है फिर बोलेगा पांच लाख तो जरूरत है पांच लाख तो देना पड़ेगा हम नहीं ले रहे लेकिन इसको बांटना पड़ता है तभी तेरे को मिल जाएगा पेट्रोल पंप या बिलायती शराब का दुकान या कुछ आपने दे दिया पैसा उन्होंने लेके ना दो एगार हो गया उसी गुरुजी ने एक बात बोले थे ये बात हमारे लिए बोले थे आप सबको मैं बता रहा हूं इस बात में तक गंभीर मैंने गहराई है उन्होंने खिड़की से एक बार हमें जल ज, 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 रास्ता के बाजू में नेशनल लाइब्रेरी उसका कार्डिस को दिखाया बोले देख तो बेटा वहां क्या दिख रहा जेल रास्ता उसके बाजू में नेशनल लाइब्रेरी बोले कुछ दिख रहा देख हमने खिड़की से झाँका कुछ तो नहीं दिख रहा कुछ नहीं दिख पा रहा नहीं कुछ नहीं दिख पा रहा देख एक छोटा सा बड़ का पौधा है देख रहा कार्डिस में हाँ देखा बता वो वहां जिंदा कैसा है जहां कार्निस में पानी नहीं है मिट्टी नहीं है खाद नहीं है फिर भी वो जिंदा कैसा है इसलिए वो जिंदा है कि वो जीना चाहता है और जो जीना चाहता है उसको मारने की क्षमता किसी में भी नहीं है भगवान भी चाहेगा तो उसको मार नहीं सकता अगर उसमें उस तरह चाहत हो तो भगत सिंह को मार सका कोई खुदिराम को मार सका कोई कोई नहीं मार सकता अगर वो जिंदा रहना चाहे तो तो ये गुरुजी ने कहा था कि इस जेल में हालांकि देखने में तो पत्थर है चारों तरफ यहाँ कोई पानी नहीं खाद नहीं तो जीने के लिए जो भी चीज की जरूरत हो कुछ नहीं है लेकिन यहां भी रस है उस रस को तो खींच अगर खींच पाएगा तो तेरे को कोई नहीं मार सकता तो थोड़े बहुत जो भी हो उस जेल से हमने रस को खींचा और उस रस के चलते दादाजी के आशीर्वाद से मैं, हम मेहरबानी से हम अभी जेल कितने टाइम पे थे? थे जेल बहुत बार गए गिनना पड़ेगा लेकिन और अभी भी जाने के लिए मैं तैयार बैठा हूं अभी ये थोड़ी दिन पहले की बात है आप लोगों ने पढ़ा होगा तिहाड़ जेल में पाँच पाँच सौ रुपया देने से एक दिन जेल में रहने के लिए वो कानून वो बनाया था ना ये बहन भाई, की मालूम है तो हम चले गए वहाँ हम चले गए हम दो हजार रुपया जमा किए हम बोले हमारे को चार दिन रहने के लिए दिया जाए बोला आपको तो गिनेज की गिनेज बुक में नाम लिखा जाएगा पैसे देखिए आप जेल कटने चले आए क्यों भाई हमने कहा देखिए बहुत सारे जेल बंगाल का बड़े बड़े जो तीन चार जेल है सब हम घूम चुके लेकिन चार धाम घूम चुके लेकिन असली जो देश का सबसे बड़ा जेल तिहाड़ जेल वो हमारा नसीब नहीं हुआ तो एक बार आप हमको डलवा दीजिए ताकि हम इस जेल का मजा भी ले सके तो अब वो वेलफेयर ऑफिसर बोलते हैं उनको वो ऑफिसर वो भी राइटर है वो भी लिखते हैं कुछ तो बोला क्यों आप क्यों रहना चाहते हैं हम बोला हम एक राइटर है हम लिखेंगे इस जेल के बारे में इतना सुना तब उन्होंने कहा कि देखिए वो गेट के सामने वो क्वार्टर दिख रहे हैं आपको वहीं डाल दिया जाएगा अंदर अंदर में में एक तिहार के अंदर में नौ जेल है। आप उधर जा नहीं पाएंगे कुछ नहीं दिख पाएंगे उसी घर में आप पड़ा रहेंगे तो इससे अच्छा कष्टदायक इससे अच्छा कष्टदायक वो जेल तो आपने काट चुका तो फिर यहाँ क्या रहने के लिए क्या जरूरत तो उन्होंने हमें जेल में तो रहने को माना किया दो हजार रुपया हमारा बच गया अब जिस बार हम लिखाई पर सीखे उस बार हम छब्बीस माह तक रहे छब्बीस माह उसके बाद हमारे मित्र लोगों, लोगों दस दस पैसे इकट्ठा किए बीस बीस पैसे इकट्ठा किए पचास पचास पैसा इकट्ठा करके हमें वो जेल से वो लोग छोड़ थे तब तो उसके बाद वो केस लंबा समय तक चला अब मानिएगा नहीं हमारे देश का कानून व्यवस्था सन में, छत्तीसगढ़ में एक आदमी को हम एक झप्पर मारा था नब्बे जनवरी में आकर के वो खत्म होता है तीस साल तो ये है हमारा कानूनी प्रक्रिया इसी के लिए किसी को झप्पर मारने के पहले सोच लीजिएगा कि मनोरंजन दा आप जेल से निकल के आपको एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में दिया गया आपको एक रिक्शा दिया गया नहीं रिक्शा दिया नहीं गया था रिक्शा हमने एक मालिक से लिया था क्योंकि वही तो थोड़ी देर पहले बताया कि जेल में तो खाना मिल जाता था बिना प्रयास में मिल जाता था बाहर में कौन देगा तो खाएंगे क्या जीने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना तो एक रिक्शा चलाते थे और वो रिक्शा का चक्का जो है वो हमारा किस्मत में चक्का होकर के किस्मत का चक्का होकर के घुमा जेल से बाहर ने के, बाहर आने के बाद हम बहुत सारे पुस्तक पढ़े थे हर रोज एक एक पुस्तक हम पढ़ डालते थे एक पुस्तक हाथ में आप ले लीजिए यहीं पर बैठ करके अफ्रीका का गहन अरण्य में क्या है आप यहीं बैठ के जान सकते हैं समुन्द्र का सबसे गहराई में क्या है आप यहीं बैठ के जान सकते हैं हिमालय का सबसे ऊंची चोटी में क्या है आप यहीं बैठ के जा सकते हैं पुस्तक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं आप घर में बैठ के सारी दुनिया को देख सकते हैं अभी आप लोग के पास कितने आदमी का मोटरसाइकिल है और स्कूटी है जिस दिन पहले आपने मोटरसाइकिल सीखा जिस दिन दूसरे दिन से आप लेके मोटरसाइकिल निकल पड़े रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे है, है कि नहीं चलाओ चलाओ चलते रहो चलते रहो टाइप का माँ ने कहा राशन लाना है आपने कहा दो थैला दो माँ हम जाके और दिन आप बोलते थे नहीं आज आप बोल रहे हो बाजार कौन लाएगा मैं लाता हूं ना आप बाइक लेके निकल पड़े क्योंकि बाइक चलाना आपका एक बहाना था जब हम पढ़ना लिखना सीखे इसलिए पुस्तक पढ़ रहे थे कि एक नया नया दुनिया में देखने को मिल रहा था इतना कुछ है दुनिया में हम तो कभी जानते नहीं थे तो इसलिए हर रोज पढ़ते थे अब पुस्तक पढ़ने के लिए हमारे पास रेलवे स्टेशन था वहाँ पुस्तक लेके सब बेचते हैं सस्ते वाला पुस्तक और एक कावार खाना था जिसमें सब टूटा फूटा पुस्तक आदि खरीद के लाके तोल तोल के बेचते हैं वही वहीं पर तो एक पुस्तक में हमारे को एक शब्द मिला हिंदी का क्षेत्र का सभी कोई जानते हैं लेकिन बंगाल में बहुत कम लोग जानते हैं उन शब्द का जी 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 विषा जी जी विशा शब्द अब उसका अर्थ क्या है हमें तो मालूम नहीं है तो जिन तिन को हम पूछ रहे थे जी जी विषा का अर्थ क्या है जीजी का अर्थ क्या है तो कोई नहीं बता पा रहा था तो एक कलश के सामने हमारे रिक्शा को हमने रोका एक सवारी हमारे रिक्शा में चढ़े फिर हम देखा ये तो प्रधा है इनसे पूछने से ये बता पाएगा एक महिला थी साठ बासठ साल का तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा ये शब्द तो तेरे को कहाँ से मिला मैंने कहा पुस्तक से तेरा पढ़ाई लिखाई कितना दूर हमने कहा अभी हम तो कभी कोई स्कूल गए नहीं तो ये पढ़ कैसे लेता है पुस्तक हमने कहा हम ऐसे ऐसे सीख डाले तो मेरा एक पत्रिका निकलता है उन महिला ने कहा मेरा एक पत्रिका निकलता है उसका नाम बर्तिका उसमें तेरे जैसे ही कम लिखे पढ़े लोग लिखते हैं तू तो लिखेगा क्या हमने तो कहा हम तो अभी तक कभी लिखा नहीं फिर ठीक है आपका एड्रेस आप दे दीजिए हम लिख पाए तो आपका घर तक पहुंचा देंगे तो उन्होंने एक छोटा सा कुटका में अपना नाम पता लिख के जब हमें दिया तो हम देखते हैं ये महासता देवी है और उन, उसी समय हमारा रिक्शा का गद्दी में उन्हीं का एक पुस्तक रखा हुआ था जो नाम था अग्निगर्भ वो हम थोड़ी देर पहले पढ़ ही रहे थे उसके बाद महिना दिन के भर सक प्रयास के बाद एक लेख हमने बीस पच्चीस पन्ना का तैयार किए वो पत्रिका में छाप गया उसके बाद में जुगान्तर पत्रिका में उसका एक रिव्यू हो गया वो रिव्यू बंगाल के जो शिक्षित लोग हैं, वो उसका बड़ा पसंद किए और यूनिवर्सिटी के तमाम प्राध्यापक जो हमारे बाजू में कलकत्ता यूनिवर्सिटी जादवपुर यूनिवर्सिटी वो प्राध्यापक और छात्र लोग जो है वो हमसे मिलने चले आते थे और फिर हमें पूछते थे हर बहुत सारी बातें और फिर बोलते थे कि हमारे पत्रिका के लिए तुम एक लेख तैयार करो ऐसे ही उनकी फरमाइशी लेख लिखते लिखते फिर एक जगह हमने बंगाल में बना लिया और उसके बाद में हमें लगा कि इस तरह फरमाइशी लेख नहीं और भी कुछ लिखना चाहिए तो हम कहानी उपन्यास ये सब लिखना शुरू किए अंत में तो बता ही दिया सताइस पुस्तक और पांच भाषा में ट्रांसलेट और जयपुर

उन्नीस सौ को मिला उसमें हम खाना बनाते थे और वो ड्यूटी के बाद में हम आकर के लिखते थे वो नौकरी मिलने के कारण थोड़ा सहूलियत हो थो गया क्योंकि हमें और रोजी के रोजी रोटी के लिए भटकना नहीं पड़ा एक महीना में इतना पैसा हमें मिल जाता था कि खाने पीने का जुगाड़ हो जाता था तो निश्चिंत से हम लिख सकते थे और हम लिखे भी और उसके बाद ये स्कूल में खाना बनाने के बाद आपका जब किताब छपा, फिर आपको लाइब्रेरी का हेड बनाया दिया। ओ, फिर एक और दूसरी खाने में आना पड़ेगा खाना हम बना रहे थे डेढ़ सौ लोगों का, दो आदमी सुबह एक बार शाम को एक बार उसमें दस घंटा सुबह और शाम मिला करके दस घंटा ग्यारह घंटा खर्च हो जाता था उसके बाद में हमारे दोनों घुटना में नी रिप्लेसमेंट हुआ क्योंकि उस पार्टी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि आप में से कोई उस पार्टी का समर्थक हो भी सकते हैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहते उन्होंने इतना मारा था कि हमारे दोनों घुटने में ऑपरेशन करना मैंने पहले जिस समय मारा था उसके उस समय उतना दर्द नहीं था जैसे जैसे उम्र बढ़ते गया दर्द बढ़ते गया अंत में दोनों घुटनों को ऑपरेशन करना पड़ा नी रिप्लेसमेंट तो खड़ा होकर के ज्यादा देर तक हम रह नहीं पाते मेडिकल चेकअप हुआ डॉक्टरों ने कहा कि आप 20 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं रहेंगे तो स्कूल के पास हम बार बार मांग रहे थे कि हमें एक हल्का फुल्का कोई काम दिया जाए खाना बनाने वाला इस काम से हटा करके लेकिन वो दे नहीं रहे थे विकास भवन जो वहां की शिक्षा के जो प्रधान बड़े बड़े अफिसर लोग बैठते थे छियासी बार तक हम गए छः साल तक हम भटकते रहे द्वार टू द्वार कि हमें कुछ मदद किया जाए देखिए हमें बांग्ला एकेडमी पुरस्कार मिला लेखन के लिए हमें चौबीस घंटा नन्न सम्मान बंगाल का बड़ा पुरस्कार वो भी मिला हमें एकेडमी रविंद्र पुरस्कार एकेडमी उसके बाद में हिंदू पुरस्कार भी मिला चेन्नई से ऐसे पंद्रह बीस पुरस्कार उस समय तक मिल चुके थे तो हमने कहा कि हमें इतना से तो कर दीजिए ताकि हम चैन से लिख सके लेकिन कोई कर नहीं रहा था तो हम उस समय ममता दीदी का सरकार आ गए हमारे पास ममता दीदी तक पहुंचाने वाला कोई नहीं था हम बड़ा दुखी हो गए फिर हम बोले जब हमें अब ये खाना वना वाला काम नहीं कर पाएंगे ये नौकरी छोड़ के हमको टोटो चलाने जाना पड़ेगा और रिक्शा थोड़ा मशीन लगा लिया अब तो तो इधर चलता है ना वो पैर का कोई काम नहीं है बैठ बैठ के वही काम करना जाना पड़ेगा तो हमें साहित्य का लेकर के जो पुरस्कार वगैरह मिला ये हम रख के क्या करेंगे ये आपका पुरस्कार आप ले लो तो पुरस्कार वापस देने के लिए हम लोगों को बोलने लगे और पच्चीस हजार रुपया हमारे जरूरत था जो उन्होंने पुरस्कार के तौर पर दिए थे वो दो दो रुपया हम लोगों से मांग मांग के इकट्ठा करने लगे तब एक आदमी को खबर मिला जो हम वापस देने जा रहे हैं एकेडमी पुरस्कार तो उन्होंने कहा हम पर विश्वास कीजिए और सात दिन हमें समय दीजिए हम आपका लिए कुछ करेंगे तो उन्होंने हमारे बाद ममता बनर्जी दीदी तक पहुंचाए पहुंचने के बाद दस मिनट समय लगा मेरा समस्या हल होने में दस मिनट दस मिनट के अंदर में उन्होंने फिर हमें वहां से उठा करके एक लाइब्रेरी में हमें नौकरी में दे दिया और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम लोग एक दलित साहित्य एकेडमी बनाने जा रहे हैं आप उसमें योगदान करेंगे हमने कहा ये तो हमारा बड़ी प्यारा काम है जरूर हम इस काम पे भागीदारी लेना चाहेंगे तब वो दलित साहित्य एकेडमी का गठन हुआ और हमें उसका चेयरमैन पद सौंपा गया उसके बाद आप आपके पहला किताब के साथ यहाँ पे आए आप, आपकी जो हमने यहाँ पे रिलीज़ किया एंड मनोरंजन दा सन एंड आई वो ट्रेवलिंग टू द राइटर्स बॉर लास्ट डे पे हम जा रहे थे एंड दे वॉज अ कारस्पॉन्डेंट फ्रॉम द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड वॉशिंगटन पोस्ट हमारे साथ थे तो मैंने मनोरंजन का स्टोरी उनको थोड़ा सुनाया उन्होंने मनोरंजन का इंटरव्यू लिया और पूरा छापा न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट में छह महीने बाद उसके बाद उनका जो ट्रांसलेशन था कई लैंग्वेजेस में उसकी एक्विजिशन हुई पर ममता जी ने इस बार जो आपको टिकट दिया वो कैसे वो कैसे हुआ अभी राजनीति में ढकल रहे हैं और मैं खारा कहा हूँ यही जयपुर में हमें कुछ लोग एक बार घेर भी लिया था खैर इस बार जो बंगाल का जो माहौल था बड़ा भयानक था बीजेपी इस तरह उनकी तमाम ताकत लेकर के कूद पड़े थे हर मीडिया यही बोल रहा था देश भर में यही चारों तरफ आवाज उठ रहा था कि आपकी बार 200 पार 200 सीट लेकर के बीजेपी बंगाल में आने वाला है इस समय एक टीएमसी का बड़े बड़े लीडर टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में जा चुके थे ममता दीदी को हमें उस समय बड़ी असहाय लग रहा था जिन्होंने उनको उन्होंने जिनको मदद किया उनके हाथ पकड़ करके चलना सिखा उसी लोग उनको गद्दारी कर रहा हम गद्दार नहीं है हमें उनकी बदौलत लाइब्रेरी में दो जून खाने को मिल रहा और इतना बड़ा सम्मान दलित साहित्य अकादमी का बंगाल का मैं चेयरमैन हूं कितने डॉक्टरेट कितने प्राध्यापक से पढ़े हुए हैं और हम जैसे एक अनपढ़ को तो उनके प्रति तो हम आभारी थे ही थे उस समय उनका फोन आया मेरे पास आपको चुनाव में खड़ा होना है हम सोचे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हार जाएंगे चुनाव में और क्या होगा उसके बाद फिर टोटो चलाएंगे क्या होगा टोटो तो रिक्शा टोटो हमारा नसीब में लिखा है हम चलाएंगे लेकिन उन्होंने ये ये ना ये ना कह सके बोल सके कि मनोरंजन व्यापारी ने हमसे गद्दारी किया फिर हमने कहा लड़ लेंगे उन्होंने कहा लड़ने से नहीं होगा जीतना पड़ेगा हमने कहा जीतेंगे फिर हमने पूछा आप हमको कहां खड़ा करना चाह रहे हैं उन्होंने कहा वो हम देख लेंगे फिर उन्होंने देख लिया और एक सीट ओ ऐसे दिया जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी छत्तीस हजार वोटों से आगे था और जहां जनसंघ नेता समा प्रसाद का जन्मभूमि है उसी हुगली का बलागाड़ जिस प्रचार हमारा चल रहा गिनती जब तक वोटों का हमारा चल रहा साढ़े बारह एक बजे तक किसी के मुंह में यह बात नहीं था कि टीएमसी जीत रहा लेकिन आत्मविश्वास हमें था क्योंकि लोगों को, को हम उसका आग को हम देख लिए थे उसका बॉडी लैंग्वेज को हम पढ़ लिए थे और हम जान गए थे हम ही जीतेंगे फिर उन छत्तीस हजार कवर करके नौ हजार वोटों से हमने जीता पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहत्तर सीटों से जीते अगर हम ना होते तो शायद उसका हो जाता एक सीट उससे हम छीन लिए और दीदी को हम निमक का कीमत अदा कर सके इसके लिए मैं खुश हूं मनोरंजन में अभी आई एम गोइंग टू दी ओपन द क्वेश्चन बट लास्ट क्वेश्चन आप में कुछ बदलाव आया ये अब राजनीति में आप टपक गए तो लेजिस्लेचर में आप बैठते हो और वहां पे अलग टाइप का माहौल होता है तो आपके अंदर कोई बदलाव आया जैसे मैंने पहले आपसे पूछा पहले क्रांतिकारी थे अब क्या हो नहीं एक बदलाव तो आया एक मतलब यही आया पहले हम लोगों का दुख दर्द को बेचते थे ये जितने हम लोग शिल्पो का क्षेत्र में कोई कहानी लिखते हैं कोई सिनेमा बनाते हैं कोई भी कुछ करते है सब हम लोगों के दुख दर्द को आशुओं को बेचते हैं उदाहरण के लिए एक छोटे से कहानी बता दूं। एक में हम और हमारे एक मित्र फोटोग्राफर दोनों हम खड़े हुए थे सुंदरबन जाने वाले थे हम लोग का दिन था, जून का महीना था एक महिला 19-20 साल उम्र होगा दुबला पतला बालों में तेल नहीं है, एक छोटी सी बच्चा गोद में ली हुए वो भीख मंग रहा था लोगों से एक टूटा हुआ थाली दस पैसा दस पैसा दे दो बाबू कोई दस पैसा उसको दिया नहीं पूरा स्टेशन को घुमा और जहां वो पेशाब खाना होता है वहीं पर आके खड़ा हुए और छोटी बच्चा रो रहा है तो स्तौन निकल करके वो बच्चे को मुंह में दे दिया जब हमारा वो दोस्त फोटोग्राफर आप उसका नाम था उसका कैमरा गला में था सठ सेठ दो फोटो खींच लिया इसके बाद में वो महिला चले गए कहाँ कुछ दिन बाद में प्रतीक्षण नाम का एक पत्रिका हमसे पूछा कि ऐसा कोई फोटो है बच्चे को मा दूध पिला रहा हमने कहा उसके पास तो एक फोटो है तो वो फोटो उसको दे दिया चार सौ रुपया उसको मिल गया जबकि जो महिला असली जो महिला उसको कोई दस पैसा दे, दे रहा था अब उसको फोटो चार सौ में बेचा गया है ना और चार सौ उसको मिल गया तो उसको हमने कहा कि एक काम करो तुम दो सौ रख लो और उन महिला को दो सौ रुपया पहुंचाओ हमको लगा था कि उन महिला को हम लोग को भी कुछ मदद करना चाहिए लेकिन उसने किया नहीं तो हम बड़ा दुखी हो गए उसके बाद में उसके ऊपर में हम एक कहानी लिखे कि हम लोग उसका दुख दर्द कैसे बेचते हैं वो कहानी फिर एक जगह छप गया हमें भी डेढ़ सौ रुपया मिल गया आप फिर जाके हम स्टेशन में महिला को ढूंढे लेकिन वो मिला नहीं कहाँ चला गया पता नहीं तो देखिए जिन हम लोगों ने उनको बेचा हमने भी एक बार बेचा वो भी एक बार बेचा तो जब हम लिखते थे सिर्फ तो हम वही तो बेचते थे लेकिन आपकी बार क्या हुआ हम उनका आंसू पोषने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं जनप्रतिनिधि आपके इधर कैसा होगा मालूम नहीं सब जगह कैसा है सरकार की ओर से हमें कंबल दिया गया लोगों को बांटने के लिए तो हम जितने छोटे छोटे पंचायत वगैरह जो है हम किसी को दिए नहीं क्योंकि किसी को हम विश्वास नहीं किए हम खुद उसको हमारा एक टोटो है टोटो रिक्शा उसी में डाले और गांव-गांव तक घूमे और लोगों को दिए तो लोगों ने कहा ये पचहत्तर साल में पहली बार जो हमारे हाथ में कंबल आया कोई नहीं दिया आज तक ईद में कपड़ा लत्ता है दुर्गा पूजा में कपड़ा लगता है हम खुद घूम घूम के बेच बिक्री किए बिली किए बिक्री आ जाता है नाम पे <laughs> राजनेता हो गया क्या हम? नेताजी <laughs> तो बिली किए बिली बंटन किए तो ये आत्मसंतोष है कि हम उसके लिए कुछ तो कर पा रहे हैं तिरपल वगैरह लोगों का टूटा घर है हम जाके खुद उसको दे पाते हैं जबकि उनको टूटा घर में वो रह रहा ठंड में उसका कितना कष्ट हो रहा उसके बच्चा रो रहा रात को नींद नहीं आ रहा ये लिख करके हम तो पैसा बहुत कमाए लेकिन आज उसको एक हम तिरपल दे पा रहे हैं इसके लिए ये थोड़ा बदलाव आया कि हम आज कुछ कर पा रहे हैं जो पहले हम नहीं कर पाए क्वेश्चन माइक आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा क्वेश्चन इतना सा है कि आप एक लेखक रहे हैं और एक ऐसी ज़िंदगी से एक ऐसे धरातल से उभरे हैं जहाँ से भारत की लगभग 80 प्रतिशत जनता आगे बढ़ती है जब आपको टिकट मिला और एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आपको ये टिकट मिला जहाँ शायद आपको लोग इतना नहीं जानते होंगे तो आपने अपनी जान पहचान या अपनी जो पहचान है वो लोगों तक तो कैसे पहुंचाई सबसे पहले ये जो सोशल मीडिया यूट्यूब नाम का एक जो चीज है ना हम जयपुर आए इतने बड़े साहित्य अनुष्ठान में हम भागीदारी लिए दादाजी का मेहरबानी से ये सब बात यूट्यूब के कारण जो है शिक्षित माहौल में चारों तरफ बात फैल गया था और दो बार हम वहाँ वहाँ की पुस्तक मेले होता है दो बार वहाँ हम दो बार गए थे जब हम वहाँ गए और लोगों को याद दिलाए कि हम वही व्यक्ति हैं जो हमको ए पुरस्कार मिला वो पुरस्कार मिला और ऐसी जगह से हम जीवन शुरू किए थे और जयपुर लिट फेस में भी हम गए और हिंदू पुरस्कार भी हमें मिला ये सब हम जब लोगों को तो यूट्यूब खोल के लोग देखते थे बात में सच्चाई कहाँ तक है तो जब देख लिया और वो सोच लिया कि ये तो हमारा ही आदमी है इतने दिन तक हम लोग बाबू भद्दर को नेतागिरी करते हुए देखे लेकिन हमारे ही लोग कोई चल के जाके उस कुर्सी में बैठ जाए ये पहली बार है ये हमारे लिए कुछ तो करेंगे तो इसी विश्वास के साथ वो हमारे साथ जुड़े और हमें वोट दिया विश्वास किया और अभी तक आप अभी किसी से भी पता कर लीजिए छोटा से बलागढ़ का क्षेत्र में हमने जो भी काम किया पूरा जिला और पूरा बंगाल हर जगह में हमारे बात को लेकर के चर्चा होता है अच्छा एक कहानी बता दो एक कहानी बोलो पर ए, एक चीज है जो इन्होंने नहीं कहा उनका काफी किताब उससे पहले छप गया था और इनका जो लेखक के नाते जो लोगों के प्रति मन में था वॉज ऑलरेडी वेल नोन इट्स नॉट दैट ही न्यूज पेपर इन इन मैगजीन एन टेलीविजन इंटरव्यूज इट वॉज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ द रिमाइंडिंग पीपल जैसे उन्होंने कहा कि ये ही वो ही मनोरंजन व्यापारी है जो आपने इनके बारे में पढ़े हो या उनका किताब पढ़े हो कहानी बोलिए बट उसके पहले एक क्वेश्चन ले लीजिए वहां पे ए बैक द जेंटलमैन इन द ब्लू और फिर आपके पास आते मैं एक क्वेश्चन आप एज एज ए राइटर से नहीं पूछना चाहूंगा एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से पूछना चाहूंगा कि आप अब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हैं इससे पहले आप जेल में थे तो आप क्या कर रहे हैं कि मतलब जेल की कंडीशंस काफ़ी अच्छी हो रही हैं क्योंकि अब तो आप बन चुके हैं नेता कर सकते हैं और जेल की कंडीशंस वर्स्ट होते जा रही हैं जैसे कि अपन ने कोविड के टाइम पे भी देखा कि चेन्नई में फादर और सन की डेथ हो गई थी पुलिस ने उनको काफ़ी मारा था उस वजह से और मुंबई में भी देखा था भीमा कोरेगांव केस के चक्कर में फादर्स टेन एम की डेथ हो गई थी तो इस चक्कर में जेल की कंडीशंस इंडिया में काफ़ी वर्स है जो चलते आ रही थी ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम से वो वही जो कि आपने भी एक्सपीरियंस किया था तो, तो मतलब जेल का जो कंडीशन है इतना खराब है इंडिया में उसके बारे में आपने कुछ किया अपने, आ, में जाके सेकेंड क्वेश्चन लिटल स्लोली बिकॉज इज लॉन्ग लैंग्वेज या मनोरंजन व्यापारी जी जब भी हम बंगाल लिटरेचर के बारे में सोचते थे तो टैगोर जी का नाम याद आता था बाद में जीवनानंदन दास जी थे महाश्वेता जी थे अभी मनोरंजन व्यापारी जी से हम बंगाल लिटरेचर को समझते हैं और जानने लगे हैं ये एक जो सफर है इसमें आप अपने आप को एक दलित लेखक मानते हैं या बंगाल के लेखक मानते हैं तो पहला क्वेश्चन था प्रिजन के बारे में आपने कोई प्रस्ताव रखा गवर्नमेंट में और दूसरा है कि आप बंगाल के लेखक मानते हैं या नेशनल लेखक दलित राइटर मानते हैं बंगाल कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले हमारे ऊपर में एक तथ्य चित्र बना आर एस टी भी उसको वो अभी भी है राइटर मनोरंजन भाई आप अभी भी दिख जाएंगे तो जेल में वो शूटिंग के लिए हमें जाना पड़ा था उस समय हम जेल को देखा हम लोग जिस समय रहते थे पंखा नहीं था और वो जो रोटी का लिए जो आटा साना जाता था पैरों से दाल में कंकर नहीं कीड़ा सफेद सफेद कीड़ा उसको चुन चुन के वो दाल को पीना पड़ता था अभी का समय जाकर के हमने देखे रोटी का क्वालिटी और रोटी पैर से नहीं साना जाता अब मैसेन गया खाने का, पीने का जो चीज था वो सब पहले से कई गुना बेहतर है पंखा भी लगे हुए एक छोटा सा एक घर में देखा कम से कम पंद्रह पंखा लगे हुए हैं जेल में सुधार पहले से आया कुछ आया अब जिनका नाम जातनागार है जो जेल है हालांकि संशोधनागार बोले लेकिन है तो जातनागार उतना ज्यादा मानविक तो हो नहीं सकता लोग अगर यह सोचे कि हम जेल में, जेल में जेल भ्रमण करने के लिए जा रहा है रेस्ट लेने के लिए जा रहा है लोगों का मन से अगर जेल का डर निकल जाए तब तो अपराध पर आप काबू नहीं पा सकते जेल का डर एक लोगों में बना रहना चाहिए तो वो वो तो है अभी अभी भी है लेकिन खाने पीने रहने के लिए पहले से अच्छा प्रबंध हुआ ये हम खुद आंखों से देख के आया इसके लिए उस बारे में हम आ, किसी से कोई बहस नहीं किया कुछ बोले भी नहीं दूसरी बात यह है मैं बांग्ला में लिखता हूं तो बांग्ला बंगाली राइटर तो हूं लेकिन जातिगत तो रूप से मैं चंडाल हूं मैं दलित हूं दलित का जो पीड़ा दलित होने के लिए जो जातना है उसको सहना पड़ता है आज भी इसके खिलाफ भी मैं आवाज उठाता हूं तो कोई कोई हमें बोलते हैं ये वामपंथी लेखक है मार्क्सवादी लेखक है कोई बोलता है दलित लेखक है कोई बोलता है रिक्शा वाला लेखक है कोई कुछ भी बोले हमारा लेख में आप हमारा लेख को पढ़ करके आपको जो भी लगे हम इन समाज को बदलने के लिए प्रयत्न कर ही रहे हैं अभी एक कहानी बोलने सोचा था कितना टाइम देंगे टाइम खत्म हो गया खत्म हो गया <laughs> एक कहानी छोटा सा हालांकि विस्तार से नहीं बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा लेकिन छोटा सा हम विधायक बन गए तो हमें एक सिक्योरिटी लेना पड़ा हम हमको नहीं चाहिए लेकिन सरकार इसलिए हमें दिया ताकि कोई रास्ते में हमारा कमीज उमीज पकड़ ले और उसका फोटो फोटो खींच के अपलोड कर दे बोलेगा ये देखो जनता का गुस्सा का सामने टीएमसी का विधायक तो विरोधियों का प्रचार का एक बहाना मिल जाएगा इसके लिए एक सिक्योरिटी दिया जूता तो हम कभी पहले पहने ही थे नहीं नंगे पॉप चलते थे तो अभी अभी चप्पल पहनना शुरू किए जूता पहली बार खरीदे सबेरे पैदल चलने के लिए टहलना पड़ता है ना पेट पेट बड़ा हो गया तो वो रस्सी जो बांधते हैं ना वो खुल गया अब चारों तरफ कोई है भी नहीं और रस्सी बांधना हमें आता भी नहीं जूता पहली बार पहन रहा हूं तो फिर कैसे रस्सी बांधू आता नहीं तो मेरे साथ जो सिक्योरिटी गार्ड था मंगल पुलिस का था वो क्या सोच करके उस समय उस समय हमारे जात पात सब भूल गया होगा वो सोचा एम एल है और बुजुर्ग है तो जूता बांध दिया बांधने के बाद में उसको ख्याल आया हम जाति में तो चंडाल है अब हमारी उमर गया भाड़ में हम एमएलए गया भाड़ में उसको हर समय वही पीड़ा कि हम ब्राह्मण होकर के एक चंडाल को जूता बांध दिए हर समय हम पर नाराज होने लगे एक दिन झगड़ा हो गया थी फिर वो बोले आप जाति में चंडाल हो फिर भी हमने आपको जूता बांध दिया उस आदमी को आप देखेंगे तो कहा उस बदन एकदम आपका कोट का रंग का ऐसा और तो, ब्रह्म परिवर्तन तो पुराण में लिखा है कि ब्राह्मण का बदन का रंग कभी काला नहीं हो सकता उन्हीं के शास्त्र में लिखा है और वो निग्रो टाइप का है अच्छा तो, अंत में एक कहानी मिनट के लिए बता के पांच मिनट समय ले लिया दो मिनट के लिए एक कहानी बताऊं थोड़ा आप लोग को इतना देर तक इतना देर तक भी हंसे अभी अंतिम हंसा के निकल जाऊंगा सुबह एक टोटो लेके हमने निकला चार बजे का टाइम पहले रिक्शा चलाया करते थे घूमते थे इधर उधर अभी भी इच्छा करता है तो सुबह चार बजे एक टोटो हमारे एक टोटो है उसको लेकर के हम निकले तो रास्ते में तीन लोग खड़े हुए हैं मछली उछली बेचते हैं वो लोग मछली लाने के लिए जा रहे हैं वो लोग तो खड़े हुए तो ऐ टोटो जाएगा रुक दिया गाड़ी तो हमने उठा लिया तीनों को कहाँ जाना है भाई तो बोले बैंडेल तो हम लेके चले गए बैंडेल वहीं पर उतार दिए तो बीस बीस रुपया तीनों ने साठ रुपया निकाल करके हमें दे रहा अब लो तो हमने कहा अच्छा रास्ते में आते समय कुछ कहा सुनी भी हो गया था धीरे तो धीरे हम टोटो चला रहे थे कैसे चल रहा हो इससे तो बैलगाड़ी जो जोर चलता है ये सब उन्होंने ब, बोला कुछ उसके बाद जैसे ही बीस रुपया करके देने लगा तब बोले देना नहीं होगा ले जाओ ट्रेन आ रहा चलो जाओ तो वो सोचा कि हम नाराज हुए गुस्से हुए इसलिए नहीं ले रहा क्यों क्यों नहीं लोगे तो हमारे जो सिक्योरिटी एक साथ में रहता है अभी सोमनाथ नाम है उसका उन्होंने कहा इनको जानते हो ये एम है अब अभी हंसे नहीं है अभी हंसेंगे वो, वो तीन आदमी कुछ देर तक हमको देखते रहे बोले ये एम एल हम रतन टाटा लेडीज एंड जेंटलमैन द इनक्रेडिबल मनोरंजन व्यापारी प्लीज गो एंड टेक हिज बुक ए टू वर्जन ऑफ इट देर वॉट अ स्टोरी मेरा भाई व्हाट अ रिवेटिंग सेशन थैंक यू सो मच मनोरंजन व्यापारी भाई Thank you so much, and thank you, Sanjoy, for doing this lovely, lovely conversation. Thank you so much. There